जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, 8 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 में से कुल 6 ऐसी राशियां हैं जिनका जीवन पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है। ये राशि वाले होंगे मालामाल, खुश नसीब और भाग्यशाली। तो आखिर कौन सी है ये 6 राशियां जो 8 अप्रैल को लगने वाले महा सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मालामाल हो जाएंगी, इसके साथ ही एक खास उपाय भी आप सभी को बताऊंगी। अगर आप उसे सूर्य ग्रहण के समय कर लेते हैं तो आपके जीवन में लग रहे सभी प्रकार के जो ग्रहण है वो पूर्ण रूप से हट जाएंगे दोस्तों, और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। सूर्य देव की असीम कृपा, विशेष कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, 8 अप्रैल को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, इसकी अवधि कितनी देर की होगी, सूतक कितने बजे लगेगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को एक चीज बता देती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को लेकर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आई है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जो सूर्य ग्रहण के दौरान हर व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना राशि जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके राशि के अनुसार अलग से कोई उपाय, पर्सनल उपाय बनता है तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताऊंगी। तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी ये दीदी अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हर रोज लेकर आती है। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान 12 में से कुल 6 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इसका खास प्रभाव पड़ेगा, और ये 12 राशि वाले क्या क्या उपाय कर सकेंगे, सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बिल्कुल ही विस्तार से और जन साधारण भाषा में बताऊंगी। इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो एक एक बात को गौर से सुनिएगा भी जरूर, क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे बोनस उपाय भी आप सभी को बताऊंगी, जिसे अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान करते हैं तो मान के चलिए आपके पूरे परिवार पर कभी कोई परेशानी आने नहीं दूंगी मैं। आपको सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही सूर्य देव की असीम कृपा भी आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो जय सूर्य देव तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए, सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत है, शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है, और साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल की मध्य रात्रि को लगेगा। आप कहीं पर समय को नोट कर लीजिएगा, 8 अप्रैल को रात में 9:12 पर इसकी शुरुआत होकर रात्रि में ही 1:25 तक इसकी अवधि रहने वाली है, यानी कि 1:25 पर समाप्त हो जाएगा। और आपको एक चीज और बता दूं कि हमेशा सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। और जो खास उपाय मैं आप सभी को बताऊंगी उसे भी आप कहीं पर नोट करके जरूर लिखिएगा। इस उपाय को आप अपने हर किसी संबंधी को भी जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप जिस भी व्यक्ति का दिल से भला चाहते हैं उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके इस छोटे से शेयर से उसके जीवन के सभी ग्रहण समाप्त हो जाए और उसके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश उजाला फैल जाए। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तब धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तब समुद्र से संबंधित आपदाएं आती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय विशेषकर ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप जाने अनजाने कोई अपराध करते हैं तो इसका असर सीधा आपके जीवन पर पड़ता है। ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है ये तो पूरे 54 वर्षों के बाद, यानी 54 ईयर्स के बाद लगने जा रहा है, जिसकी वजह से 12 के 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ राशियों पर सही प्रभाव पड़ेगा, कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा दोस्तों, जिसकी वजह से उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान शुभ ग्रह गुरु राशि में परिवर्तित होगा, जिससे सूर्य ग्रहण में प्रतिकूल को कम होता हुआ देखा जा सकेगा। बताया जा रहा है कि इन सब का सीधा प्रभाव इन 6 राशियों पर पड़ने जा रहा है। इन 6 राशियों के जीवन में चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे।
ज्योतिष शास्त्र और विद्वानों का मानना है कि इस सूर्य ग्रहण का जो सकारात्मक प्रभाव है इस प्रकार से पड़ेगा कि इनके जीवन में धन लाभ, नौकरी पाने के पूरे सहयोग बनेंगे और 100% उनका जीवन इस ग्रहण के बाद बदलने वाला है। अगर आप इन 6 राशियों में से है किसी भी एक राशि से भी आप मिलते हैं तो आपके जीवन में पूर्ण रूप से अब बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपके व्यापार में तेजी से वृद्धि होगी और आपके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पहली जो राशि है जो इस सूर्य ग्रहण की वजह से लाभान्वित होने जा रही है, प्रभावित होने वाली है, लकी राशि है मेष राशि। मेष राशि में आमदनी में बहुत ही तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। धन आने के सारे रास्ते इनके खुल चुके हैं। इनके जीवन में इतना धन आएगा कि इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मेष राशि वालों के जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ नौकरी में भी प्रमोशन और व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आपकी धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो अब खत्म होने वाली है। बस आपको सूर्य ग्रहण के बाद बाएं पैर में चोट लग सकती है, इसलिए अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां लगातार बन सकती है, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि आपका जो भाग्य है वो आपका पूरा सहयोग इस समय के बाद देने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद दूसरी जो राशि है जो लाभान्वित हो रही है, लकी राशि, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में ये बताया गया है कि जो इनके जातक हैं, कन्या राशि वाले जातक, इनको विदेश यात्रा के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। आपका अटका हुआ पैसा मिल सकता है, संतान प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं, राजनीतिक लाभ भी आपको मिलेगा, व्यापार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बाद धन प्राप्ति के पूरे योग है। कन्या राशि वालों को विशेष इस उपाय को करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके जो भी दोस्त या रिश्तेदार हैं जो बैंक से लोन वगैरह ले रहे हैं तो आपको गारंटर बिल्कुल भी भूल से भी नहीं बनना है, यानी कि आपको अनावश्यक जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ऊपर ये भारी भी पड़ सकता है, इसलिए आप अपने काम से काम रखिए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप हनुमान मंदिर में जाकर प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाकर वहीं पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सके और आपके जीवन में अत्यंत मंगलकारी लाभ आपको मिलेंगे। मंगल ग्रह आपका पूरा मजबूत हो जाएगा। तीसरी राशि की बात करूंगी, तुला राशि, बहुत ही लकी राशि होने वाली है। व्यापार में वृद्धि होगी, करोड़ों का धन पाने के पूरे योग बन रहे हैं, साथ ही साथ आप कर्ज के माया जाल से भी बिल्कुल मुक्त होने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको ये बात का खास रूप से ध्यान रखना होगा कि अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा भूल से भी नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके कहा सुनी से आपको बचना है। चौथी राशि वृषभ राशि, इसके बारे में बताने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखने के साथ साथ ही अपनी राशि जरूर लिख दीजिए। राशि के अनुसार हर किसी को उपाय बताने जा रही हूँ, उसे आप ध्यान से पढ़कर नोट करके करिएगा जरूर, इसलिए अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ तुरंत लिखिए। तो चौथी राशि की बात कर रही थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बारे में बताया जा रहा है, साफ साफ है, ये बात क्लियर है कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपकी बंद किस्मत का ताला का चाबी है, यानी कि अब आपकी बंद किस्मत पूरी तरीके से खुलने जा रही है। आप कोई भी काम करते हो उसमें आपको सहकर्मियों का अब पूरे तरीके से साथ मिलेगा, जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे, काम आपके बिगड़ते चले जा रहे थे। हर एक काम जिसमें भी आप हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलना बिल्कुल निश्चित है। वृषभ राशि वाली जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सतर्क रहना है, सावधान रहना है। पांचवी राशि है सिंह राशि। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद जो समय है वो आपका बहुत ही सौभाग्यशाली होने वाला है। खास तौर पर जो भी सिंह राशि के जातक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, थक चुके हैं तैयारी करके लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, तो अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए नौकरी जॉब पर जाने के लिए। आपकी नौकरी लगना बिल्कुल तय है क्योंकि इसके पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। आपको मन चाहिए नौकरी तो मिलेगी ही, साथ ही मन चाहा पेमेंट भी मिलेगा।
आपकी जीवन में घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो बिल्कुल सुधार आ जाएगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलने लगेगा। सूर्य ग्रहण के बाद हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह के समय में एक लोटा जल आप जरूर अर्पित कीजिए। वहाँ पर 3 परिक्रमा आपको लगानी है और इसके बाद आपका जो राहु केतु ग्रह है वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। और आखिरी राशि की बात करूं, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ तुरंत लिखिए। अब जो राशि की बात करने वाली हूँ, लास्ट राशि है जिसमें आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जीवन में सुख समृद्धि वैभव की वृद्धि होने वाली है। नए व्यापार की आप शुरुआत इस समय कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य की शुरुआत आप गणेश जी के नाम से और जय सूर्य देव के नाम से ही कीजिएगा, आपके जीवन में अपार सफलता आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आप सभी को वो खास उपाय बताने जा रही हूँ जिसके बारे में वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, जो आप सभी को जरूर करना है, चाहे आप किसी भी राशि के जातक हो, ये उपाय इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जरूर करना है। इससे आप सभी के जीवन में मंगल होगा, पूरे परिवार का कल्याण होगा, जो भी मन में अधूरी इच्छा है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रहण से पहले ही ये करना होगा। आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें इलायची और 3 लौंग आपको रखनी है, 1 इलायची 3 लौंग, ध्यान से सुनिएगा। लाल रंग के कपड़े में 1 इलायची 3 लौंग रखकर आपको उसमें लगानी होगी 5 गांठ, ठीक है। 5 गांठ लगाकर अपने धन संपत्ति या तिजोरी वाले स्थान पर आप इसे रख दीजिए और ग्रहण लगने के पश्चात जब आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, घर का शुद्धिकरण करेंगे, तब इसका भी आपको शुद्धिकरण करना है। इसके बाद इस लाल रंग की पोटली को उठाकर आप घर के मंदिर में रख दीजिएगा। मान के चलिए दोस्तों, इतना सा काम अगर आपने कर लिया, आपके घर में धन की वर्षा होना बिल्कुल निश्चित है। आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे, इतना पैसा आएगा। ये उपाय आपके हर प्रकार के संकट से भी आपको मुक्ति दिलाएगा, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस उपाय को हर राशि का जातक अवश्य कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्टि मिली होगी। मेरी आवाज़ को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज़ बिल्कुल मुफ्त में आपको सबसे पहले मिल सके।